आज का सवाल है कि क्या आपके कॉलेज में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है? क्या आपके कॉलेज में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है? और यदि है तो उन्होंने क्या किया है आपके साथ? क्या उन्होंने आपको जॉब वैकेंसी बताई? क्या उनका काम नहीं था ये बताने का? तो क्यों हमारे देश के मैक्सिमम सिविल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा के नाम से? यदि है तो सारे इंजीनियर्स प्लेस्ड क्यों नहीं है? जब ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिवीजन है, तो सारे इंजीनियर प्लेस्ड क्यों नहीं है? उसके पीछे का रीजन पता है आपको? यदि आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो जाए तो आप में से 100% लोगों के चांसेस है कि वो मस्त अपने घर पे आराम से बैठ के देखेंगे 3-4-5 घंटे के जितने भी घंटे के वो मैच हो। और शाम को जब चाय के ठेले पे और ठपरी पे जाके हम अपने दोस्तों के साथ बैठेंगे तो बात होगा स्पेशली हर एक मैच के स्पेशल मोमेंट का। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है क्या कि सारे अपने दोस्त बैठ के जॉब वैकेंसीज की बात किए हो यार, कि किस किस कंपनीज में कहां कहां जॉब है या जॉब कैसे लगता है, कौन कौन सी ट्रेनिंग लेने की जरूरत है? कभी नहीं होता ये। क्यों? क्योंकि उस समय ये लगता है कि क्यों यार टाइम वेस्ट करना इस बारे में बात करके। इस बारे में बात तो हम वर्किंग टाइम पे कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, ऑफिस के बाद तो या हम जो चाय की दुकान है उसमें तो सिर्फ मस्ती करने जाते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं बोलने के लिए लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म पे यूज नहीं कर सकता उसका। तो क्या रीजन इसके पीछे? 3 घंटे की मूवी हम आराम से अपने घर पे बैठ के देख सकते हैं, लेकिन यदि 3 घंटे पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये हो सकता। लेकिन कल एग्जाम है तो आज दिन भर और हो सकता है रात भर हम एक जगह पे बैठ के पढ़ ले। मतलब हम पे काबिलियत तो है, बस अर्जेंसी की जरूरत है। अर्जेंसी कल करना है। यदि एग्जाम में पास होना है, डिग्री चाहिए, या जिन्होंने डिग्री ले लिया है मिनिमम पासिंग मार्क्स के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। जो 33% के लिए हमको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप पूरे सेमेस्टर पढ़ के करो या एक रात में वो चीटिंग के लिए फर्रे बना के करो। जितना रिक्वायरमेंट है 33% एक डिग्री के लिए, तो आपको 33% तो लाना ही होगा एनी हाउ, कुछ भी हो जाए। उसी तरीके से इस इंडस्ट्री पे आपको अचीवमेंट चाहिए तो एक मिनिमम सेट ऑफ गोल आपको अचीव करना हो। एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि उतना करोगे तभी ही आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज नहीं। आपको बार 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 वो बैक आएंगे, रिवीजन में आप डालोगे अपना नंबर्स, जैसे कि हम कॉलेज में करते थे वैसा ही इंडस्ट्री है। 33% के लिए मेहनत करना ही पड़ेगा। उसी तरीके से इंडस्ट्री में ग्रोथ चाहिए तो कुछ ना कुछ आपको स्पेशल करना ही पड़ेगा, और ये डिपेंड करता है आपके डेडिकेशन, पैशन एंड कमिटमेंट कि आपका डेडिकेशन क्या किस में है। आपने सिविल इंजीनियरिंग लिया है तो हो सकता है सिविल इंजीनियरिंग आपने खुशी से लिया हो, आप सिविल इंजीनियरिंग लेके खुश हो, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुश हैं सिविल इंजीनियरिंग नहीं लेके। उसी तरीके से इंजीनियरिंग के बाद बहुत सारे खुश हैं लोग बेरोजगारी से, और बहुत सारे लोग खुश हैं अपने अचीवमेंट से। डिपेंड करता है कि आपका क्या गोल है, व्हाट्स योर गोल। ये डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड पैशन डिजाइन करता है कि आपका गोल क्या है, बेरोजगारी है या फिर अचीवमेंट है। बेरोजगारी और अचीवमेंट में सिर्फ एक डिफरेंस है यार, कि आपका खुशी किसमें है, सिविल इंजीनियरिंग के साथ या विदाउट सिविल इंजीनियरिंग विद बेरोजगारी। Now the time to decide where are you? आपको यह पता करना पड़ेगा कि आप कहां हो, आप अपने स्टेज में अपने परफॉर्मेंस पे where are you? कि आप अपने घर पे बैठ के इंतजार कर रहे हो कि कोई आएगा और आपको गिफ्ट देके जाएगा जॉब का, that is not possible. It's you have to decide कि आप परसुएंगे अभी, कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं, पासड आउट हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, या आप अभी रिसेंटली आपने जॉब ज्वाइन किया है, या फिर आप इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस्ड में से। Ask yourself, अपने आप से पूछो कि कहां पहुंचे हो आप अभी तक। Ask yourself and remove your problem, अपने आप से पूछ के सारे प्रॉब्लम खत्म करो। मैं बताता हूं क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। नो इंडस्ट्री नॉलेज फ्रॉम कॉलेज, कि कॉलेज में इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं दिया गया, क्या ये प्रॉब्लम है आपका? या फिर लॉट्स ऑफ अनएम्प्लॉयड सिविल इंजीनियर्स हैविंग डिग्री ओनली, उनके पास सिर्फ डिग्री है। या फिर Lots of crowd fighting for job, एक जॉब है भर के उसमें वैकेंसी भर के लोग आए हुए हैं। Competition is very high for each and every job, चाहे वो प्यून का हो चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर का हो। इनिशियल स्टेज में जो फाइटिंग होती है बहुत ज्यादा होती है, ऊपर स्टेज में फाइटिंग तो ज्यादा होती है लेकिन वहां पे चांसेस कम होते हैं वो फाइटिंग्स के, कि हम बहुत आसानी से जॉब अचीव कर जाते हैं यदि हम हायर लेवल तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि बहुत पूरी सीढ़ी चढ़ना लोगों की बस की बात ही नहीं होती यार, बहुत सारे तो बीच में ही भाग जाते हैं वापस।
तो यदि आपने पूरी सीढ़ी चढ़ रही है या फिर चढ़ने का शौक रखते हैं तो चढ़िए ऊपर, कंपटीशन कम है। इनिशियल स्टेज में ही कंपटीशन सबसे ज्यादा होता है। नॉट गेटिंग सेलेक्टेड इन गवर्नमेंट जॉब, मैक्सिमम सिविल इंजीनियर्स तो अपना करियर का 3 से 4 साल इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में निकाल देते हैं, ये सोच के कि प्राइवेट में 10-12 हजार की सैलरी है बस, गवर्नमेंट में जाएंगे तो लाइफ सेट है। हाँ, मैं मानता हूं कि स्टार्टिंग पे कॉर्पोरेट सेक्टर में सैलरी कम है, लेकिन इट्स योर कैलिबर कि आप कितना तेजी से आगे बढ़ते हैं, कितने ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। यार 1-1.5 लाख रुपए सैलरी कॉमन है कॉर्पोरेट सेक्टर पे, यदि आपने थोड़ा सा स्किल सेट बढ़ा के अपने एक्सपीरियंस से अपने कंपनीज को प्रॉफिट दिलाना चालू कर दिया तो बहुत ही कम समय पे, और बहुत ही कम समय का मतलब वन नाइट गेम नहीं है, इट्स टेक टाइम, मिनिमम 4 to 5 ईयर इट्स टेक टाइम। लेकिन उस टाइम पे ये नहीं सिर्फ लेबर संभाल रहे हम साइड पे जाके, यदि कॉर्पोरेट सेक्टर में तो सिर्फ लेबर संभालने को अचीवमेंट नहीं कहते, इंजीनियरिंग नहीं कहते, आपको इंजीनियरिंग वर्क आने चाहिए। और प्रॉब्लम्स में आपको रूबरू कराता हूं, फियर ऑफ नॉट गेटिंग सेलेक्टेड एंड नॉट एबल टू प्रेजेंट योरसेल्फ। इंटरव्यू तो बहुत सारे लोगों की फटती है आज भी कि कैसे इंटरव्यू में जाके अपने आप को प्रेजेंट करें, इंटरव्यू दिलाने ही नहीं जाते, सोचते कोई फोन करेंगे और वहां जाकर सेलेक्ट हो जाएंगे, कैसे होगा यार ये? क्या कोई आपको 2000 रुपए भी, सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए की बात कर रहा हूं, सिर्फ 2000 रुपए आपको कोई आपका चेहरा देख के या फिर आपको कोई इमोशन देख के देगा क्या? सर आप भीख मांगने से 5-10 रुपए मिलता है यार, आपको अपनी एबिलिटी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, एक्सप्लेन कि यू हैव पोटेंशियल फॉर वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट हर जगह पे जहां रिक्वायरमेंट्स है। हैविंग जॉब बट गॉट स्टक इन वन प्लेस ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। एक्सपीरियंस तो है, वही बताया ना मैं कि 5 साल का एक्सपीरियंस है, किसका? लेबर संभालने का, साइट इंजीनियर का 5 साल का एक्सपीरियंस है, क्या करेंगे आगे? साइट इंजीनियरिंग। आपको हायरार्की ही नहीं पता कि किस तरीके से आप ऊपर बढ़ सकते हो, कैसा चैनल होता है, यह है लैक ऑफ एक्सपीरियंस इंडस्ट्री नॉलेज का। यह हमको कॉलेज में बताना चाहिए, लेकिन नो वन इंटरेस्टेड टू एक्सप्लेन इन द कॉलेज। क्यों? और प्रॉब्लम बताता हूं आपको, लास्ट प्रॉब्लम, नॉट गेटिंग प्रमोशन फ्रॉम और हायर सैलरी। जो मैं बताया ना 8 से 10 हजार सैलरी में ही लोग मर जाते हैं, वो 20-25 हजार सैलरी तक पहुंच के मैक्सिमम लोगों ने अपना करियर खत्म कर चुका है। क्यों? क्या आप ये नहीं सोचते क्या यार कि इस दुनिया पे ऐसे भी लोग हैं जिनकी सैलरी अच्छी है, किस कारण से उनकी सैलरी अच्छी है? आपको ये तो सोचना पड़ेगा ना। एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में बहुत सारे क्लॉसेस होते हैं, हर तरीके से हम अटेम्प्ट मारते हैं उसको अचीव करने का, हर एक तरीके से मार्केटिंग करके। क्या आपने हर एक तरीके से पॉसिबल कर दिया क्या? मैं साला उस हर एक बेरोजगार से पूछना चाहता हूं कि क्या तुमने हर एक कंपनी पे अपना रिज्यूमे सेंड किया है? अब रिज्यूमे का मतलब ये नहीं कि आपने कॉपी पेस्ट करके सारी कंपनी में सेम टू सेम भेज दिया, जिस कंपनी पे रिक्वायरमेंट है जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा रिज्यूम डिजाइन करके भेजो। जैसा रिक्वायरमेंट है, किसी को बाइक चाहिए तो बाइक का क्वेश्चन भेजना पड़ेगा, चाहे आपके पास भले अच्छी अच्छी कार रखी हो। यदि आप कितना भी अच्छा बिलिंग इंजीनियर हो लेकिन उसको साइट इंजीनियर चाहिए तो उसको सिर्फ साइट इंजीनियर का रिज्यूम भेजना पड़ेगा। और आपके एक्सपीरियंस से मान लेते हैं 5 साल साइट इंजीनियर का, और अगले को डिजाइन इंजीनियर चाहिए या फिर एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर चाहिए, एडमिन इंजीनियर चाहिए, प्रोक्रूटमेंट इंजीनियर चाहिए, तो आपको वैसा रिज्यूमे बना के भेजना पड़ेगा। लोगों को मालूम ही नहीं, लोग सोचते नहीं इस बारे में। क्यों? बताता हूं मैं आपको आगे। Having no idea about how to start as an entrepreneur. मैंने क्या कहा? बिजनेस स्टार्ट करते वक्त भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि कैसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। लोग एक दुकान खोल के बैठ जाते हैं, 50-60 हजार रुपए, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अपने बिल्डिंग पे सोचते हैं कस्टमर आएंगे, अपने आप कोई नहीं आता यार, लाना पड़ता है। कैसे लाना पड़ता है बताता हूं मैं आपको। सिविल इंजीनियरिंग आपके लिए ऑप्शन नहीं, अपॉर्चुनिटी है, इसको समझना पड़ेगा। आपके पास एक पेन है, यदि आप सोचोगे ये बेकार है किसी काम का नहीं तो ये बेकार है, और इस पेन से सोचोगे कि इस पेन से आप लाखों रुपए के चेक साइन कर सकते हो तो ये इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग इज नॉट अ ऑप्शन, पूरी एक अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को अचीव करने के लिए आपको कुछ कुछ स्पेसिफिक कंटेंट आपको पता होना चाहिए, जैसे कि एस्टिमेशन, क्वांटिटी सर्वे, बीबीएस, बिलिंग, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, ऑटोकैड, रैबिट, ईटैप, एमएसपी, ये सारी चीजें यदि आपको आती है तो दुनिया पे एक भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जो आपको रिजेक्ट कर दे, एक भी कंपनी ऐसी नहीं होगी यदि आपने इस पूरे का पूरे को सॉल्व कर रखा है। सिर्फ सीखना मैटर नहीं करता यार, इंप्लीमेंट मैटर करता है। ऑटोकैड सीखना मैटर नहीं करता, ऑटोकैड को इंप्लीमेंट करना होता है, किस तरीके से हम उसकी पूरी डिटेलिंग करें बताता हूं मैं आपको आगे क्या डिटेलिंग होता है। और फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री, पहली बार पूरे हिस्ट्री में, पूरे यूनिवर्स में,
एक चेंजेस लाया है सिविल गुरुजी ने सिविल इंजीनियरिंग के लिए। पिछले दो साल से हम कंटिन्यू हर एक कॉलेज में लगभग, यदि आपके अपने अपने कॉलेज के एचओडी से पूछो कि क्या सिविल गुरुजी का कॉल उनके पास आया था, और यदि आया था तो उनसे पूछो क्या एक्शन लिया गया। हम हर एक कॉलेज में ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं डिटेल में। नाउ द टाइम टू स्टार्ट योर करियर विद सिविल गुरुजी, और एक ऑफर आपके लिए सिविल गुरुजी लाया है। और खुल जा सिमसिम ऑफर में गुरुजी का खजाना लेके आए हैं सिविल गुरुजी आप लोगों के लिए। स्पेशली 52,000 रुपए का कोर्स में आप सेव कर सकते हैं। इज द टाइम टू सेव योर खजाना विद गुरुजी का खजाना। 39,000 आप सेव कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीजें सीखने पे। आपको डिजाइन करना है कि क्या आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं घर पे बैठ के, तो उसके लिए गुरुजी स्पेशल ऑफर सिर्फ 13,000 पे। लास्ट डे की बात करें हम, फर्स्ट एंड लास्ट डे। ये ऑफर उन लोगों के लिए होता है स्पेशली पूरे मंथ में कि जो अपना करियर डिजाइन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए। वी आर नॉट ऑफरिंग एनी टाइप ऑफ ऑफर। हम आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि यदि आप अभी फाइनेंशियली वीक हैं, तो नाउ द टाइम टू स्टार्ट योर लर्निंग विद सिविल गुरुजी। बाय नाउ, अभी मौका है। क्या करके? गुरुजी का कोड यूज करके। आप एप्लीकेशन में जाइए, डिस्क्रिप्शन पे नीचे एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उसमें गुरुजी का खजाना कोर्स नेम है। आप उस कोर्स में जाइए सारी चीजें सीखने के लिए। अब ये चीजें है क्या वो मैं आपको बताता हूं, क्या क्या चीजें आप इसमें कोर्स सीखना मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा आपको आर्किटेक्चरल प्लानिंग एंड डिजाइनिंग विद कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशन। बताया क्या कि मैंने बताया ना कि आपको ऑटो कैड सीखना नहीं है, आपको ऑटो कैड से डिजाइनिंग सीखना है, आपको आर्किटेक्चरल प्लानिंग सीखना है, डिजाइनिंग विद कंप्लीट रूल एंड रेगुलेशन। आपको सीखना है डिटेल एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग विद BOQ फॉर टेंडरिंग वर्क। आपको टेंडर में NIT बनाना होता है, उस टेंडरिंग के लिए आपको BOQ बनाना, बहुत डिटेलिंग पे, वो भी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। आपको नेक्स्ट सीखना है कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट डाला जाता है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है, किस तरीके से एक प्रोजेक्ट मैनेजर, एक कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट बनाता है अपने सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ, या फिर किसी क्लाइंट के साथ या सप्लायर के साथ, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है डिटेल पे। एंड द फोर्थ वन, एग्जैक्ट क्वांटिटी एंड रेट ऑफ द कंप्लीट प्रोजेक्ट। अब इस हर एक पार्ट के लिए अलग स्पेसिफिक ट्रेनर है हमारी इंडस्ट्री में। सबसे पहले पार्ट मैं आपको और बताऊंगा कि कौन कौन इसको सिखाएगा। एंड द नेक्स्ट वन, डिटेल स्टील कैलकुलेशन बार बेंडिंग शेड्यूल। आपने BBS सीखा है, YouTube में भर के अवेलेबल है, आपके पास मौका है, आप YouTube में जाकर सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो एनी चार्जेस। हमारे YouTube चैनल भी भर के पड़ा हुआ है। लेकिन जब बात करते हैं ना सीक्वेंस में, जब एक म्यूजिक बनता है तो म्यूजिक में कितने सारे, एक गाने पे कितने सारे म्यूजिक होते हैं, और उस म्यूजिक को लोग आगे पीछे करके चलाएं, बस एक 2 सेकंड का डिफरेंस कर लो, हर म्यूजिक को आगे पीछे मर्ज कर दो, क्या वो सुनने में अच्छा लगेगा। वही हाल हो गया यार यूट्यूब का। यूट्यूब में है तो, लेकिन वो एक सीक्वेंस में नहीं है, किस लय से सीखना है there is not available। इसीलिए कोर्स की जरूरत पड़ती है। और कोर्स में और क्या मैं आपको बताता हूं, इन द सिक्स्थ पार्ट, स्लैब रेट बिलिंग एंड आइटम रेट बिलिंग डिटेल में, जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स होता है, रिकॉन्सिलेशन एंड प्राइस एस्केलेशन। नेक्स्ट है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट एज पर बैलेंस शीट, आप डेली अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, एंड द लास्ट वन इज प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। कौन सिखा रहा है ये पूछना जरूरी है यार। अब आपको ये पूछना जरूरी है कि सारे पार्ट को सिखा कौन रहा है। द फर्स्ट पार्ट, विजय सिंधे इज अ आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, उन्होंने आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में महारत हासिल किया हुआ है। एक एक डिटेल पे आपको पूरा वास्तु, पूरा हाउस प्लानिंग, पूरे गवर्नमेंट रूल्स, किस तरीके से FAR रेट होता है, किस तरीके से आपका वास्तु प्लानिंग होता है, किस तरीके से आप सबमिशन ड्राइंग को पास करवाओगे विथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग ड्राइंग, सेप्टिक टैंक ड्राइंग, पूरा डिटेल पे। नेक्स्ट वन है डिटेल एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग विथ BOQ। कौन सिखाता है इसको? मिस्टर चेतन शर्मा सर, ही इज एस्टिमेटर एंड प्लानिंग इंजीनियर इन कॉर्पोरेट सेक्टर। वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, फैक्चुअल सिविल इंजीनियरिंग के ऑनर मिस्टर अमित कुमार जी। वो आज हरियाणा के एक प्रोजेक्ट पे एज अ कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर, उन्होंने आपके लिए बनाया है कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग का कोर्स, ताकि वो अपना नॉलेज आप तक शेयर कर सके।
एग्जैक्ट क्वांटिटी एंड रेट ऑफ द कंप्लीट प्रोजेक्ट, ये आपको सिखाते हैं किशन ओझा सर, इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर पटना के एक प्रोजेक्ट में जिन्होंने उसको लीड किया कंप्लीटली। डिटेल स्टील कैलकुलेशन बार बेंडिंग शेड्यूल आकाश बोरे सर, स्टील इंजीनियर। स्लैब रेट बिलिंग एंड आइटम रेट बिलिंग एंड रिकॉन्सिलेशन एंड प्राइस एस्केलेशन एंड डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये सिखाता हूं मैं खुद हिंद एनर्जी कोल बेनिफिशियरी लिमिटेड पीएसयू फर्म पे एज अ बिलिंग एंड प्लानिंग इंजीनियर मैं जॉब कर रहा था। दो साल से ये सारे पार्ट को डिजाइन करके कॉपी पुस्तक में नहीं मिलेंगे सारी चीजें, ये प्रैक्टिकली जो चीजें होती हैं उसे हमने आप लोगों के लिए लाया है। एंड द नेक्स्ट वन स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सुदीप अग्रवाल जी, एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर जो आप लोगों के लिए स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को डिजाइन किए हैं कि आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सके। एंड द प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग जो मैंने बताया था कि एग्जैक्ट क्वांटिटी एंड रेट एनालिसिस जो आपको सिखा रहे थे मिस्टर किशन ओझा सर, वही आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग सिखाएंगे, इज द प्रोजेक्ट मैनेजर। और इसमें जो 3D पार्ट है आर्किटेक्चरल प्लानिंग एंड डिजाइनिंग पे, वो आपको सिखाते हैं मिस्टर शुभम नागपुरे। रैविड आप सी के फैन हो जाओगे आप शुभम नागपुरे जी का, वो इस लेवल पे सिखाते हैं कि पूरे इंडिया पे आप क्लेम कर सकते हो यदि कोई भी इंस्टीट्यूट उस लेवल पे सिखाता होगा तो पूरा पार्ट। एक भी आज ही मौका है आपके पास, जस्ट नाउ नीचे डिस्क्रिप्शन पे नंबर है उसमें कॉल करो, और एप्लीकेशन से तुरंत कॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट जरूरी है। और ट्रेनिंग क्यों? प्लेसमेंट के लिए, जो जॉब कर रहे हैं उनके अचीवमेंट के लिए, जो अपना जॉब खत्म करने के बाद अपना खुद का इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये कोर्स उन सब के लिए है जो सिविल इंजीनियरिंग में आगे बढ़ना चाहता है। डिटेल पे मैं आपको डिटेल बताता हूं एक बार और कि क्या क्या आपको इस पूरे कोर्स में मिलेगा। प्री रिकॉर्डेड वीडियो, पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्डेड है, आप दो साल तक यदि आज ही लेते हो तो सिर्फ 13,000 रुपए में 52,000 रुपए कोर्स आपको दो साल तक के लिए मिलेगा। दो साल आप इसको जितनी बार चाहो उतनी बार यूज कर सकते हो। रेगुलर लाइव डाउट सेशन, जो भी आपके डाउट है, तो दो साल तक लगभग 730 क्लास डिजाइन किया गया है आप लोगों के लिए डाउट क्लास। आज डाउट है, शाम को 7 से 8 बजे के बीच ट्रेनर बैठेंगे, आप शाम को 7 से 8 बजे के बीच लाइव आइए और उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट सवाल है रेगुलर जॉब अलर्ट, न्यू वैकेंसी डेली, हर दिन की बात कर रहे हैं हम, हर दिन आपको एक नया जॉब वैकेंसी का अवेलेबल। आप कोर्स नहीं भी लियो तो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, आपको जॉब की वैकेंसी तो आएगी ही यार, लेकिन मैटर करता है कि जब भी हम युद्ध में जाएं तो पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ जाएं। ड्रॉइंग बिल्डिंग्स एंड प्रोजेक्ट्स, पूरा का पूरा आपको जो भी डिजाइनिंग के लिए है टास्क है वो आपको डाउनलोडेबल दिया जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और यहां तक कि जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है ये आप अपने एप्लीकेशन में डाउनलोड भी कर सकते हो कि आपको दोबारा नेट की जरूरत ही ना पड़े। 2 इयर्स तक कोर्स वैलिड है, यदि आज ही लेते हो तभी मिलेगा, अदरवाइज वो वेरी करता है। रेफरेंस विद साइट वीडियो, जो भी प्रैक्टिकल वीडियो, हम बात करते हैं ऑनलाइन में प्रैक्टिकल कैसे सीखेंगे, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि ऑनलाइन में प्रैक्टिकल कैसे सीखेंगे। ऑनलाइन में प्रैक्टिकल सीखने का एक ही तरीका है, जिस तरीके से आप मूवी देखते हो, मूवी प्लेन में भाई साहब चढ़ रहे होते हैं कि प्लेन के ऊपर बैठ के मार रहे हैं दुश्मन को, क्या पॉसिबल है क्या, ग्रीन स्क्रीन में इफेक्ट होता है, उसी तरीके से पूरा एनिमेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाया गया है इस कॉर्पोरेट ट्रेडिंग कोर्स में। पावर ही नहीं है किसी का इस तरीके से एनिमेटेड वीडियो बनाने का, और हमने बनाया है आप लोगों के लिए इस कॉर्पोरेट ट्रेडिंग कोर्स के गुरु जी के खजाने पे। अब बात कर रहे हैं हम कि क्या सब लोग ले सकते हैं, हाँ इसके कारण सब लोग ले सकते हैं। EMI, just EMI in few amount. कॉल करो नीचे दिए हुए बोर्ड लाइन नंबर पर, पता करो EMI पे कैसे ले सकते हो आज ही, अदरवाइज चिड़िया चुग गई खेत तो तब पश्चावत का हो, कि जब चिड़िया चुग के निकल जाएगी खेत तब पछताने से कुछ नहीं होगा यार। डिसीजन आपका है कि आपको बेरोजगार बैठे रहना है या फिर इस दुनिया पे अचीवमेंट लाना है। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं क्या है ऑफर। ऑफर लास्ट मोमेंट पे आप सिविल गुरुजी के कोर्स में जाइए गुरुजी का खजाना, उसमें डिस्क्रिप्शन पे देखिए क्या क्या कोर्सेज हैं आपके पास, और आप उस कोर्सेज में गुरुजी का कोड यूज करेंगे GURUJI, नोट कर लो, हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूं GURUJI नोट कर लो, चाहे आप कैपिटल लेटर में लिखो चाहे स्मॉल लेटर में लिखो, आपको 52,000 रुपए का कोर्स 39,000 रुपए सेव कर सकते हो आप, तुरंत कमा सकते हो आप 39,000 रुपए, क्योंकि कोर्स अमाउंट हो गया है 13,000 रुपए आज के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों आप लोगों के साथ बने रहने के लिए, और मैं आपको बता दूं कि सिविल गुरुजी का हर एक मोमेंट इंडिया के लिए होता है और ऊपर वाले का हमेशा बरकरार रहा है साथ सिविल गुरुजी के साथ। तो आप भी यदि तरक्की करना चाहते हैं तो चलिए सिविल गुरुजी के साथ, क्योंकि सिविल की बात गुरुजी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, उसी जोश से जुड़ने के साथ अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। करना है खास तो चलो हमारे साथ।
करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल के बाद गुरुजी के साथ।